बड़ी खुशी का दिन है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जो अखिल भारतीय संगठन है, उस संगठन का आज बिहार प्रांत का कार्यालय हमारे अभिभावक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नंद किशोर यादव जी के हाथों फीता काटकर आज हम लोगों के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है बिहार प्रांत का। हमारे बीच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बपन राव जी ताईवाड़े और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रवर सुभाष सिंह घाटे जी और बिहार प्रांत के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय नरेश साहू जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की आबादी में लगभग 60% की आबादी यानी 100 में 60 लोग ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज पूरे भारतवर्ष में अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के बैनर तले अपने मांगों को लगातार देश के और प्रदेश के सरकारों के समक्ष लगातार रखता आया है। आज इसी कड़ी में हम सभी को सत्तारूढ़ दल के एनडीए के वरिष्ठ नेता आदरणीय नंदकिशोर यादव जी के मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने बड़े भाई का कि इतने कम समय के नोटिस में, जबकि आज बिहार में विधान परिषद का चुनाव है और हम सभी जानते हैं यहाँ से इनको अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए भी जाना है और इन्होंने बहुत कीमती समय हम लोगों के बीच में दिया है। आज कई वरिष्ठ नेता केवल इस चुनाव के कारण इस उद्घाटन में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सबों ने अपनी शुभकामना दी है। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी जी ने, विधायक संजीव चौरसिया जी ने और भी ओबीसी समाज के जो भी बिहार के विधायक और मंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद बड़े भाई रामकृपाल यादव जी ने और सब लोग बारी बारी से उन्होंने कहा कि आज अगर शाम तक आप आए तो आए, नहीं तो अगले दिन किसी दिन इस कार्यालय में हम जरूर एक बार आना चाहेंगे और हम सभी का स्वागत करेंगे। आज से भी बहुत जमाने से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है। डॉक्टर तेंदुलकर जी को आज तक पूरी तरह से न्यायमन नहीं हो पाया, हमें थोड़ी सुविधा जरूर मिली, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कार्यकाल का वेलफेयर रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों को संवैधानिक दर्जा दिया है, पिछड़ा वर्ग आयोग को। लेकिन मुझे दुख कब होता है जब पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले लोग पार्टी के कारण, दलीय बंधन के कारण पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के कितने किए गए कामों का विरोध करते हैं। मैं इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, पिछड़ा वर्ग का हित चाहते हैं तो पिछड़ा वर्ग के हित के लिए जो भी सरकार काम करती है कम से कम आप उसका विरोध नहीं। हमारी लड़ाई किसी वर्ग विशेष की जाती, हमारी लड़ाई हमें सुविधा मिले, हमारा जो हक है संविधान ने जो हमें किया वो हमें प्राप्त इसके लिए। मैं इस अवसर पर सभी ओबीसी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, भाई बहनों से, अगर हम संगठित होंगे तो निश्चित रूप से हमें बिहार में हमें मिला भी है, बिहार में हम आज कर सकते हैं। नीचे के अक्सर पर चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो या पंचायत में चुनाव हो,
बड़ी मात्रा में अतिक्रमण राशि के कारण हमें कई प्रकार कई अधिक सीटों पर जीतने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं सब तस्वीर करना चाहता हूँ कि हम संगठित हों और संगठित होकर फिर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, सभी कानून तक अपनी आवाज़ पहुँचाने में सफल होंगे। ये संगठन के माध्यम से जैसा कि संविधान के कलम 340 में OBC एक संवर्ग है, 341 शेड्यूल कास्ट एक संवर्ग है और 342 शेड्यूल ट्राइब एक संवर्ग है। ये तीनों कैटेगरी को 1952 से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन 341 और 342 में SC ST को जो सुविधाएं मिल रही वो अभी तक 340 के तहत आइडेंटिफाइड OBC संवर्ग को नहीं मिल रही। वो सारी सुविधाएं हमें पूरे देश में और हर राज्य में मिलनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय OBC महासंघ हर राज्य में और पूरे देश में संघर्ष कर रहा है। ये मांगे रख रख के हर एक स्टेट से उसकी मांग आनी चाहिए, हर एक राज्य से उसकी मांग आनी चाहिए और केंद्र सरकार हो या जैसा अभी सर जी ने कहा कि सुविधाएं मिल रही, लेकिन और सारी बहुत सारी सुविधाएँ जो है वो हमें बिहार सरकार से OBC के लिए मिलाना पड़ेगा। ये अभी तक कोई संगठन सामने नहीं आ रहा था और उनके ध्यान में नहीं ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा था किसी मांग के तरफ। ये अभी हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष एवं उनकी पूरे कार्यकारिणी बिहार सरकार के सभी विधायकों से मिलेगी, मंत्री महोदय से मिलेगी, मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, उनका ध्यान हमारे मांगों की ओर आकर्षित करेंगे। जैसा कि हमारे बच्चों को छात्रावास हर जगह में होना चाहिए, हमारे बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, फॉरेन में जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ये विद्यार्थियों के लिए सुविधा है। केंद्र में जैसा हमारे लिए OBC मंत्रालय होना चाहिए, पूरे देश में और हर राज्य में OBC की जातनियाँ हैं, जनगणना होना चाहिए। जैसा मैंने जब भी कहा कि ये जो राजकीय आरक्षण हमें मिल रहा था 1994 से, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वो अभी थोड़ा इस अड़चने में आ गया, तो आपके माध्यम से भी हम और केंद्र सरकार से विनंती करते हैं कि संविधान के जिस कलम 243(d)(6) और 243(t)(6) से OBC समुदाय को पॉलिटिकल आरक्षण दिया गया है, उसमें अमेंडमेंट करके दुरुस्ती करके ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट लगाया वो हटा दो और एक अमेंडमेंट करके पूरे देश के 60% OBC को 27% पॉलिटिकल आरक्षण बाहर करो। ये चाहिए, ऐसी बहुत सारी योजना है कि जो OBC समुदाय के संविधान के कलम 340 के तहत सरकार ने देनी चाहिए, लेकिन अब अभी तक हम लोग OBC लोग बटे हुए थे, बिखरे हुए थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे और ऑर्गेनाइज होकर हमारी आवाज़ हर सरकार के राजधानी तक और दिल्ली तक नहीं पहुँचती थी। आज राष्ट्रीय OBC महासंघ पूरे देश के OBC की जनता को एक छत्र में लाकर एक साथ ऑर्गेनाइज होकर सारे पॉलिटिकल पार्टियों के सामने हम हमारी डिमांड लेकर जाते हैं, उससे विचार विमर्श हो रहा। मुझे ऐसा बहुत खुशी हो रही है, कल ही राज्यसभा में डिबेट चल रहा था आया है, इसको सरकार को बचाना पड़ेगा, कुछ नया कानून बनाना पड़ेगा, ट्रिपल टेस्ट करने की गरज नहीं। तो इस तरह से विधायकों के सामने हम संविधान के तहत जो बातें होनी चाहिए वो रखते हैं, उस पर विचार विमर्श होता है और वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहाँ पर उस पर चर्चा होकर एक एक मांग एक साथ तो सारी मांगें होने वाली नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार भी हमारे मांगों की तरफ ध्यान दे रही है, हर राज्य सरकार भी हमारे मांगों की तरफ ध्यान दे रही है। और मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि OBC के उत्थान का मार्ग अभी आज़ादी के 75 साल के बाद सब लोग इकट्ठा आने से धीरे धीरे चालू हो गया है। ये हमारे लिए थोड़ी खुशी की बात है, पूरी खुशी की नहीं लेकिन थोड़ी की खुशी। इसलिए सारे राज्यों में हम लोग प्रदेश कार्यालय का ओपनिंग कर रहे हैं, तालुका कार्यालय, जिला कार्यालय और सारे OBC को जो 3,742 जातियाँ इस देश में OBC में है, ये 3,742 जातियों को इकट्ठा लाने का काम राष्ट्रीय OBC महासंघ कर रहा है। धन्यवाद।